नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, देव के देव महादेव कहे जाते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस में होता है। अर्थात कि महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़े जतन नहीं करने पड़ते। और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा आ जाती है, दोस्तों समझ जाइए कि इस धरती में शायद ही कोई होगा जो उस व्यक्ति का बाल भी पाका कर पाएगा। दोस्तों, भोला ने भोलेनाथ आदि अनादिपति देव के देव महागौरी के पति और हमें दीर्घायु देने वाले होते हैं। महादेव की कृपा के बिना धरती लोक का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इतना ज्यादा महादेव का भोलेनाथ का चमत्कार माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सुबह के समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो दोस्तों समझ जाइए इस संपूर्ण धरती योग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपकी बात नहीं मानेगा। जो आपकी मनोकामना होगी निश्चित तौर पर वह मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात भोलेनाथ की कृपा होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे एक मंत्र के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों इस मंत्र का यह फायदा है कि अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करता है, मन के अंदर धन प्राप्ति का विचार लाकर, तो उस व्यक्ति के अंदर धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर किसी को बेहनता मोहब्बत प्रेम करता है और चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, उसके साथ विवाह के बंधन में बन जाए, तो इस मंत्र का नित्य जाप करने से वह व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। अगर कोई विद्यार्थी इस मंत्र का जाप करता है और लगातार इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन करता रहता है, तो उसे शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। शिक्षा के मामलों के अंदर उसे उन्नति देखने को मिलता है और वह पढ़ाई के अंदर कभी भी कमजोर नहीं रहता। अगर कोई गृहिणी है और अपने परिवार को अच्छा और सुखद बनाना चाहती हैं, तो सुबह के समय उठते ही इस मंत्र का जाप मात्र कर लेती हैं, तो दोस्तों उसका परिवार सुखद हो जाता है, उसके परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। कोई नई नवेली दुल्हन है और वह चाहती है अपने घर के अंदर अपना मान सम्मान बढ़ाना और साथ ही साथ एक ओजस्वी संतान की एक अच्छी संतान की प्राप्ति करना, तो सुबह उठते ही अपने बेड पर ही बस मात्र इस मंत्र का जाप कर लेती हैं, तो दोस्तों समझ जाइए कि उसके सारे कार्य बन जाती हैं और उसे अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस मंत्र को साधु संत अपने सुबह की शुरुआत सबसे पहले इस मंत्र के साथ ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है, इस मंत्र को बिना नहाए धोए, बिना किसी प्रकार का कोई अलग उपचार या किसी तरह के कपड़ों आदि का ध्यान रखे हुए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों हर मंत्र हिंदू धर्म के अंदर जब जाप किया जाता है तो स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है, स्नान आदि का ध्यान रखा जाता है, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के लिए ना तो किसी अच्छी जगह की जरूरत होती है और ना खड़े खड़े बैठे बैठे कहीं पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्नान किए हुए, बिना स्नान किए हुए, जैसी आपकी मर्जी होती है उस समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों इस मंत्र का जाप करते समय बस यही आप ध्यान रखिए कि किसी व्यक्ति का बुरा चाहने के लिए इस मंत्र का आप जाप नहीं करें, क्योंकि जो किसी व्यक्ति का बुरा चाहने के लिए इस मंत्र का जाप करता है तो दोस्तों हकीकत में उस व्यक्ति का एक पूरा बुरा हो जाता है। इसी वजह से इस मंत्र का किसी बुरा चाहने के लिए जप नहीं करें, बाकी आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप क्या करें, सोमवार के दिन सुबह उठते ही या फिर प्रत्येक दिन आप चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह उठें और उठने के बाद आप बस आसन जिस प्रकार बैठते हैं, बैठने की मुद्रा के अंदर आप बैठ जाएं, जिससे आपको मोटिवेशनल मिले, वहां पर बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ को याद करें। सबसे पहले दोस्तों ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप भोलेनाथ का आह्वान करें और भोलेनाथ को आमंत्रित करें। 11 बार इस मंत्र का आपको जाप करके भोलेनाथ को आमंत्रित करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद अर्ध महामृत्युंजय मंत्र रहता है। दोस्तों अर्ध महामृत्युंजय मंत्र केवल भगवान भोलेनाथ नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त देवी देवताओं को आपकी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है और निश्चित तौर पर वह आपके ऊपर आकर्षित होती हैं।
आप उस अर्ध मंत्र जप को, जिसका नाम है दोस्तों ओम चूम सह, ओम हूं जुस सह, इस मंत्र को, तीन अक्षर के मंत्र है, तीनाक्षी मंत्र कहा जाता है, इस मंत्र का आप 11 बार जाप कर दी और उसके बाद आप उठ जाएं तो कोई भी कार्य करें निश्चित तौर पर दोस्तों आपको उस कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह दोस्तों सुबह के समय कराके बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करने से भी आपको कई गुना फायदा प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही खुशियां देखने को मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।